नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह के निर्देश के बाद उप जिलाधिकारी रामनगर राहुल साह के निर्देश पर गठित अलग अलग टीमों ने रामनगर विकास खंड के अलग अलग क्षेत्रों में मदरसों की जांच शुरू कर दी है। रामनगर में शुक्रवार को BRC समन्वयक मनोज तिवारी और उसके साथ मौजूद अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से रामनगर शहर में स्थित कई मदरसों की जांच की गई। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान कई मदरसों में अभिलेखों की जहां एक और कमी पाई गई, तो वहीं कई जगह छात्रों की उपस्थिति पंजिका में भी बच्चों की उपस्थिति दर्ज नहीं पाई गई है। और तो और कुछ जगह मदरसों को संचालित करने वाले अभिलेखों की भी कमी पाई गई है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अभी ये जाँच जारी है। जी, शिक्षा विभाग द्वारा एक मदरसों की जांच के आदेश जिलाधिकारी द्वारा किए गए हैं, जिसके क्रम में आपके स्तर से जांच की गई है, तो किस प्रकार की कमियां मदरसों में पाई गई हैं, क्या निर्देश दिए गए? देखिए, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा जिलाधिकारी महोदय को कुछ बिंदुओं पर निर्देशित किया गया, तो इसके क्रम में एक अभी मदरसों के विस्तृत इनके गहन जाँच संबंधित तथ्य जाने हैं और उसके बाद संकलित आख्या जो है फिर विकासखंड के सारे मदरसों की जिस संकलित हो जाएगी, उसके बाद इस बारे में कुछ डिटेल आपको दे पाएंगे। आज जो जांच की है तो उसमें किस प्रकार की कमियां पाई गई हैं? कुछ अभी जैसे अभिलेख संबंधी की जो हमारी दैनिक उपस्थिति का है या बच्चों के उनसे अभिलेख वगैरह हैं, तो उनके लिए इनको कहा गया कि भी उसको प्रॉपर मेंटेन किया जाए। नगर विकास खंड के अंतर्गत जितने भी मदरसे हैं उनकी जांच को लेकर जिलाधिकारी के आदेश के बाद शनिवार से शिक्षा विभाग ने मदरसों की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि रामनगर विकास खंड के स्थित विभिन्न मदरसों को लेकर अलग अलग टीमों का गठन किया गया, जिसमें BRC समन्वयक मनोज तिवारी व नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से रामनगर में मदरसों की जाँच की गई, जिसमें जाँच अधिकारियों द्वारा बताया गया कि कुछ मदरसों में जो है अभिलेखों की कमियाँ मिली हैं, तो वहीं छात्र उपस्थिति को लेकर भी कई प्रकार की कमियाँ मिली। उन्होंने बताया उन कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि रामनगर विकास खंड के अंतर्गत जो भी टीमों का गठन मदरसों की जांच को लेकर हुआ है, उन सभी टीमों द्वारा जांच के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजे न्यूज। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जेजे न्यूज। धन्यवाद।